नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा देश जहां पर होती है पुरुषों के लिंग की पूजा, भारत देश में। आपने शिवलिंग की पूजा के बारे में तो सुना होगा। शिवरात्रि पर संपूर्ण देश में भगवान शिव के लिंग की पूजा होती है। इस पूजा में विशेषताएं, महिलाएं पूरी आस्था से उपवास करती हैं। मान्यता है कि जो स्त्री पूरी आस्था व भक्ति से शिवलिंग की पूजा करती है, उसे शिव के समान वीर और बलिदानी पुरुष पति के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसा भी देश है जहां पर पुरुषों की लिंग की पूजा बड़े ही शान से मनाते हैं। प्रत्येक देश की अपनी संस्कृति और मूल्य मान्यताएं होती हैं। पूजा और कर्म कांड अपने तरीके से होते हैं। जापान विश्व में अपनी संपन्नता, टेक्नोलॉजी और कर्मठता के बारे में विख्यात है। वहीं जापान में एक ऐसी परंपरा भी काफ़ी समय से मनाई जा रही है जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, हम आपके सामने जापान में होने वाले एक ऐसे समारोह के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके लिए अजूबे से कम नहीं होगा। जापान में प्रति वर्ष मार्च माह में 15 तारीख को पुरुष के लिंग की पूजा करने के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है। जापानी प्रति वर्ष इसे लिंग उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस पूजा में लकड़ी का एक पुरुष लिंग बनाया जाता है। इस लिंग को जापानी समाज में काफ़ी आस्था व भक्ति के भाव से मनाया जाता है। जापानी इस पुरुष लिंग को शहरों में जोर शोर से नाचते गाते हुए शोभा यात्रा निकालते हैं। पुराने लिंग को पूजा स्थल से हटाने के बाद नए पुरुष लिंग को पूजा स्थल में स्थापित कर दिया जाता है। इस लिंग का वजन 280 किलोग्राम तक रखा जाता है। जापानी मान्यताओं के अनुसार इस प्रकार के आयोजन से घर में सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों, आपकी इस जापानी पूजा के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें।